हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए मूंगफली और मिर्च की तीखी चटपटी बहुत ही स्वादिष्ट सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ में अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो बहुत यूनिक सी रेसिपी है ये, तो इस रेसिपी को बनाना चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने 100 ग्राम हरी वाली मिर्च, तीखी वाली मिर्च ली है, और एक कटोरी मैंने यहाँ पे मूंगफली लिए है, और एक अक्खा लहसुन का छिलका उतार के लिया है हमने, और एक नींबू लिया है हमने। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हमने जो एक कटोरी मूंगफली के दानों को लिया है उनको हम ऐड कर लेंगे, और अच्छे से इसे हमें भूनना है करीब 2 से 3 मिनट तक, और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मूंगफली है सभी तरफ से अच्छे से भुन गई है। अब उसी सेम पैन में हमने जो हरी मिर्च ली है उन सबको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। तेल ऐड नहीं करेंगे हम, सभी मिर्चियों को इस तरीके से ही ऐड करके अच्छे से रोस्ट करना है ताकि हमारी जो मिर्च है सभी तरफ से अच्छे से भुन जाए, और उसके ऊपर इस तरीके से जो आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं सभी मिर्चियों के ऊपर अच्छे से आ जाए। तो ये मिर्ची हमारी अभी थोड़ी ही भुनी है, इन्हें अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट तक और भुनना है, और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें आप। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मिर्ची है बहुत ही अच्छे से अब भून चुकी है। सेम इस तरीके से ही आप मिर्चियों को भूनें, और आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि हमारी मिर्चियाँ जो हैं बहुत ही अच्छे से अब भून गई हैं। मिर्चियाँ भुन गई हैं तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो लहसुन छिलके रखे थे उनको हम ऐड कर देंगे, और साथ में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें, और गैस का फ्लेम बंद कर दें, और इसका लीड लगा के आप ठंडा होने के लिए इसे छोड़ दें ताकि हमारी जो लहसुन और मिर्च है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद हमारी जो मिर्च है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, और लहसुन भी हल्की फुल्की सिक गई है मिर्चों के साथ। अब इन सभी भुने चीज़ों का हमें दरदरा पेस्ट बनाना है, तो एक मिक्सर जार में इन सब को हम ऐड कर लेते हैं, और इन सब का हम एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ हमें कुछ भी और ऐड नहीं करना है, और हमारा दरदरा सा पेस्ट बनके अब तैयार हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसी सेम पैन में हमने एक बड़ा चम्मच तेल लिया है, और हमारा जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसको ऐड कर देंगे, और गैस के मीडियम टू लो फ्लेम पे इन सब को हमें अच्छे से भूनना है करीबन 3 से 4 मिनट तक। मिर्च अपना कलर हल्का सा चेंज कर लेगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें से आने लगेगी, तो आपको समझ जाना है कि हमारी जो मिर्च है बहुत अच्छे से भून गई है। ये वाली रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है, चावल दाल के साथ, रोटी के साथ आप इसे खाएं, आपके खाने में 4 चांद लगा देगी ये। तो इस रेसिपी को ट्राई करना है फ्रेंड्स आपको, और मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और इन बिटवीन जब इनको हम फ्राई कर रहे हों तो हमने जो एक नींबू लिया था उसका जूस हम निचोड़ देंगे। तो हमारी ये रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, फ्रिज में रख के आप 10 से 12 दिन तक इसे खा सकते हैं। तो मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।